आज की रेसिपी उन लोगों के लिए है जो चिकन खाना तो छोड़ना चाहते हैं पर चिकन से मिलने वाला प्रोटीन नहीं। वीगन चिकन बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, मैदा और पानी। हमने आधा किलो मैदा लिया है जिसे हमने पानी में गूंद लिया है। गूंदे हुए आटे को हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और लगभग 20 मिनट तक के लिए उसे पानी में भिगो कर रखेंगे। भीगे हुए आटे को अब हम लगभग 3 से 4 बारी पानी में धोएंगे। ऐसा करने से मैदे में जितना भी स्टार्च है वो निकल जाएगा और बचेगा सिर्फ ग्लूटेन प्रोटीन। आपको पता चल जाएगा कि आपका आटा तैयार है जब पानी पहले के मुकाबले साफ हो जाए। आटा धोते हुए ये थोड़ा बिखर सा जाएगा पर जब आप इसे छन्नी में ट्रांसफर करेंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा। अब आटे को हम 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। आटे को हम हथेलियों की मदद से स्ट्रेच कर लेंगे और गुद की तरह गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसको हम 1 या 2 गांठे लगा देंगे। ऐसा करने से पकाने के बाद इसका टेक्सचर मीट जैसा हो जाएगा। अब हम हल्के सेक पर एक भारी पैन रखेंगे जिसमें हम लगभग 1 से 2 करछी तेल की डालेंगे और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें ये मीट पकाने के लिए ट्रांसफर कर देंगे। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि मीट को दोनों तरफ से हल्की आंच पर ही पकाएं ताकि वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। लगभग 15 से 20 मिनट बाद आपका मीट अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगा। अब हम इस मीट को रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। इसका टेक्सचर बिल्कुल चिकन जैसा है और ये हाई प्रोटीन लो कार्ब्स लो फैट चिकन सब्स्टिट्यूट है।